हे गाइस व्हाट्सअप, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ये ऐसे स्टाइल। तो कैसे हमारे एडिटर आर्मी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम 26 जनवरी और 2021 का एक ठो अमेजिंग पिक लेके आपके सामने चले आए हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक है। तो उस पिक को आप लोग बनाकर कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग पोस्ट करते हैं तो आपको ढेर सारा लाइक प्राप्त होगा और काफ़ी अमेजिंग पिक है कह रहे हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना यह अमेजिंग पिक है। और इस भी फोटो में जितने भी बैकग्राउंड और PNG यूज करेंगे वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको उसी तरह का फोटो बनाने के लिए आपको यहां से इस प्रकार से एक ठो फोटोशूट करवा लेना है बैठ के। तो देखिए आप किस प्रकार से यह फोटो है, इसी तरह का एक ठो फोटोशूट करवा लीजिएगा। फोटोशूट करवाने के बाद आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। तो चलिए हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में चलते हैं। इस एप्लीकेशन इस पर क्लिक किए, यहाँ देखिए ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस का आइकन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऑल फोटो पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे पास एक बैकग्राउंड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम उस बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ टूल के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से इस पहले इस बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेना है। तो रिसाइज करने के लिए यहाँ से यहाँ पे 3000 लिख देंगे। चलिए हम लिख देते हैं। ये लिखने के बाद आपको यहाँ खुद ही रिसाइज पे क्लिक करेंगे, या खुद ही बता देगा कि यह कितना हो सकता है। 2590 मेरा है, यहाँ देखिए लिख दिए, रिसाइज पे क्लिक कर दिए। तो यह हमारा रिसाइज हो चुका है। इससे आपका बैकग्राउंड पूरा HD क्वालिटी में कन्वर्ट होता है। इसके बाद आपको इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ ऐड फोटो का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपका जो हुआ फोटो था उसको यहाँ पे ऐड कर लेना, जो आप लोग फोटोशूट करवाए थे। तो चलिए उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो चलिए ऐड कर लिए। कुछ इस प्रकार से हमारा यह फोटो है। इसके बाद आपको इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए आपका कटआउट का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कटआउट के ऑप्शन के द्वारा इस फोटो का बैकग्राउंड पहले इरेज कर लेना है। तो आउटलाइन पे क्लिक किए, साइज अपने हिसाब से रख के इसके बाद यहाँ से पूरे सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आप देखिए हम किस प्रकार से सेलेक्ट किए। इसके बाद यहाँ तीर का निशान, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, जहाँ छूटा हुआ वहाँ रीस्टोर कर लेंगे, और जहाँ ज़्यादा हुआ है वहाँ पे इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इरेज कर लेंगे। तो चलिए हम इसको अच्छे से इरेज करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए यह हमारा अच्छे से इरेज हो चुका है। इरेज होने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा यह फोटो है। इसके बाद अब इसे सेट करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए हम कैसे सेट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए ऊपर इरेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके, क्लिक करने के बाद इरेज पे दो बार क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऑपेसिटी को यहाँ से माइनस कर देंगे, और हार्डनेस को भी माइनस करने के बाद आपको यहाँ पैर के नीचे थोड़ा इरेज कर लेना, जिससे आपका फोटो काफ़ी तक अमेजिंग लगेगा और रियलिटी। तो देखिए हमारा फोटो में कितना फर्क आ चुका है। इसके बाद यहाँ राइट का निशान, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑपेसिटी है इसको थोड़ा माइनस कर देंगे, जिससे आपके बैकग्राउंड से जो आपका फोटो है वह मैच हो जाए। तो देखिए और थोड़ा हम कर लेते हैं, थोड़ा प्लस 94 के आसपास हम रखेंगे। इसको करने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे पास हैप्पी रिपब्लिक डे का एक PNG है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे आप सेट करेंगे देखिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस के आइकन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ 26 जनवरी जो है, तो 26 का मेरे पास एक PNG है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। अब 6 का PNG यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ऐड कर दी इसको। अब थोड़ा यहाँ घुमा लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे सेट कर दिए। करने के बाद देखिए दोनों जो लेयर है 2 और 6 का, तो देखिए हम 6 का बताते हैं। ऊपर इरेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ से दो बार क्लिक करके ओपेसिटी को 30 और हार्डनेस को भी 30 करके यहाँ से इसको इरेज कर लीजिएगा, जिससे फोटो देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। इसके बाद राइटिंग निशान पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर 2 का भी उसी तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसका कर लेते हैं। तो हम दोनों का अच्छे से कर लिए। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस का आइकन, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। मेरे पास एक जनवरी का PNG है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे सेट करेंगे थोड़ा, और यहाँ से घुमा लेते हैं। आपको जहाँ सेट करना हो कर सकते हैं, जहाँ आपको देखने में प्रोफेशनल लगे। यहाँ पे थोड़ा
यहाँ पे सेट करने के बाद फिर से प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जय हिंद का पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसको इधर स्क्रॉल करना है, ऐसे ही नहीं सेट करना है, इसमें इधर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए ब्लाइंड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मल्टीपल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से अब इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, इसको थोड़ा हम घुमा लेते हैं। देखिए यह कितना सिंपल फोटो है, यहाँ देखिए इसके बाद राइट के निशान पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो यह फोटो कितना अमेजिंग है और कितना सिंपल है। तो आप लोग आशा करते हैं कि इस पिक को बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद इधर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए आपको ड्रॉ टूल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको यह पिक को अपने गैलरी में डाउनलोड कर लेंगे और जहाँ पोस्ट करना होगा लोग इस फोटो को कर देंगे। हे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हर बार की तरह आप ही पिछड़ दे वीडियो कैसे लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एडिटिंग हमारे चैनल पे मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।